नमस्ते दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका और एक नए वीडियो में। मेरा नाम है तेजस और आज हमारे पास है ओप्पो का A79 5G और वीवो का जो है ये Y56 5G। प्राइस की अगर बात करते हैं तो ये दोनों भी फोन के अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस प्राइस में नहीं दिया है, सिर्फ 1000 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर दिया है। प्राइस सेगमेंट के अंदर अगर देखते हैं, यहाँ पे ओप्पो का हैंडसेट जो है ये 20000 रुपए में दिया है, वीवो का हैंडसेट यहाँ पे आपको 19000 रुपए में मिलता है। यहाँ पे दोनों भी फोन के अंदर 8128 वाले वेरिएंट भी दिए हैं। प्राइस के हिसाब से कौन सा हैंडसेट यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है, ओप्पो का या वीवो का, तो वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा। बैक साइड में अगर देखते हैं तो ये दोनों भी फोन आपको डुअल रियर कैमरा और फ्लैश लाइट के सेटअप के साथ में दिए है। बैक स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वीवो के अंदर बैक स्ट्रक्चर पूरी तरह से मैट फिनिश के अंदर दिया है और आउटडोर के अंदर अगर जाएंगे तो थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ओप्पो की अगर बात करेंगे तो ओप्पो के अंदर ग्लास डिजाइन के अंदर ग्लूसी फिनिश के अंदर ये बैक स्ट्रक्चर दिया है। फिंगरप्रिंट के जो निशान है ये थोड़े से लग सकते हैं ओप्पो में, वीवो के अंदर तो नहीं लगेंगे। और यहाँ पे इनर फिटिंग की अगर बात करते हैं तो इनर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे ओप्पो के अंदर, क्योंकि साइज थोड़ा बड़ा दिया है, इनर के अंदर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वीवो की अगर बात करेंगे तो वीवो इनर के अंदर काफी कम्फर्ट आ जाता है। वेट और थिकनेस की अगर बात करते हैं तो वीवो का वेट 184 ग्राम का दिया है और ओप्पो का 193 ग्राम। थिकनेस के अंदर अगर देखते हैं तो 7.9 mm की थिकनेस ओप्पो में दी है और वीवो के अंदर 8.1 mm की। ऊपर की साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है सेकेंडरी माइक का ऑप्शन और नीचे की साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 3.5 mm हेडफोन जैक, स्पीकर, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड माइक। इस साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है दोनों भी फोन के अंदर वॉल्यूम अप डाउन की पावर के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। ओप्पो के अंदर जो ये आपको ड्यूअल स्पीकर मिल जाता है नीचे की साइड और ऊपर की साइड में। कैमरे की अगर बात करते हैं तो दोनों भी फोन के अंदर बैक कैमरा जो ये सेम है 50+2 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा ओप्पो में दिया है 8 मेगापिक्सल, वीवो के अंदर 16 मेगापिक्सल का। बैटरी की अगर बात करते हैं तो बैटरी तो दोनों भी फोन के अंदर सेम दिया है जो कि 5000 mAh की है। चार्जिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ओप्पो के अंदर जो 33 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, वीवो के अंदर सिर्फ 18 वाट का। कैमरे के अंदर अगर देखते हैं तो लगभग दोनों भी फोन के अंदर सेम ऑप्शन दिया है, जैसे स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नाइट मोड आ जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया है और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये दोनों भी फोन के अंदर HD और Full HD के अंदर ही कर सकते हैं, 4K के अंदर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करते हो तो कैमरा क्वालिटी अगर देखते हैं तो यहाँ पे ज्यादा बेटर ओप्पो के अंदर देखने को मिल जाती है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस अगर देखेंगे तो भी काफी डिटेलिंग के साथ में दिया है। स्क्रीन टोन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन वीवो की अगर बात करेंगे तो वीवो के अंदर स्क्रीन के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेड टोन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल जाता है। ओप्पो के अंदर अगर देखेंगे तो थोड़ी सी नेचुरल सी इमेजेस देखने को मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे इमेजेस क्वालिटी बैक कैमरे की अगर बात करते हैं तो बैक कैमरे में भी यहाँ पे ओप्पो का हैंडसेट थोड़ा बेटर दिया है। कलर सैचुरेशन, शार्पनेस जो है ये काफी अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कैमरे के हिसाब से अगर हैंडसेट देखते हैं तो ओप्पो का हैंडसेट थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है वीवो के मुकाबले अगर देखेंगे तो। प्रोसेसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ओप्पो के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का 5G चिपसेट दिया है, वीवो के अंदर आपको मिल जाता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 700। दोनों भी फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया है, क्लॉक स्पीड जो है ये भी सेम दी है 2.2 GHz की। फैब्रिकेशन की अगर बात करते हैं तो 7 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन दोनों भी फोन के अंदर दिया है। रैम टाइप LPDDR4X का आता है और यहाँ पे दोनों भी फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 के साथ में सपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर तो दिया ही है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है फेस अनलॉक का भी ऑप्शन, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जैसे जो ऑप्शन है ये भी दोनों भी फोन के अंदर दिए हैं यहाँ पे। डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो ओप्पो के अंदर जो ये आपको डॉट पंच आउट स्क्रीन के साथ में डिस्प्ले दिया है, वीवो के अंदर जो ये वाटर ड्रॉप नॉच स्क्रीन आ जाती है। ओप्पो के अंदर डिस्प्ले की स्क्रीन साइज जो ये भी थोड़ी बड़ी दी है, 6.72 इंचेस का आ जाता है, वीवो के अंदर 6.56 इंचेस दिया है। दोनों भी फोन के अंदर आपको Full HD Plus का रिजोल्यूशन दिया है, IPS LCD दी है दोनों भी फोन के अंदर। टच क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा बेटर टच क्वालिटी जो ये ओप्पो के अंदर देखने को मिल जाती है, वीवो के मुकाबले अगर देखेंगे तो बेटर दिया है यहाँ पे ओप्पो में। और ब्राइटनेस की अगर बात करेंगे तो ब्राइटनेस को तो दोनों भी फोन के अंदर आउटडोर के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, विजिबिलिटी काफी अच्छे से दी है यहाँ पे आउटडोर के अंदर।
यहाँ पे Vivo की अगर बात करते हैं तो Vivo के अंदर जो आपको दो अलग अलग वेरियंट दिए है, एक आ जाता है 4128 और दूसरा दिया है 8128। 16999 में 4GB वाला वेरियंट मिल जाता है यहाँ पे, और 18999 में जो ये 8GB वाला वेरियंट। और ओप्पो के अंदर जो आपको 19999 में 8128 वाला वेरियंट दिया है, ओप्पो के अंदर एक ही वेरियंट आ जाता है, Vivo के अंदर दो अलग अलग वेरियंट है। और यहाँ पे ओप्पो और Vivo की अगर बात करेंगे तो ज्यादा बेटर अगर देखेंगे तो यहाँ पे ओप्पो का स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा क्वालिटी अगर देखेंगे तो ओप्पो की बेटर दी है, स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी आ जाती है और चार्जिंग की जो स्पीड है ये भी थोड़ी अच्छी दी है। इसके साथ ही यहाँ पे डिजाइन के अंदर में भी थोड़ा बेटर देखने को मिल जाता है ओप्पो का हैंडसेट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं।